तहसील मीरगंज क्षेत्र के किसानों ने धान की रोपाई की है, धान की फसल कटने को तैयार है, उसमें इस समय एक बीमारी लगी है जिसके चलते बाली और पूरा तना सफ़ेद पड़ रहा है। इससे किसान चिंतित है, उन्होंने इसमें काफ़ी रुपए लगाने के बाद नुकसान हो रहा है। आइए जानिए कृषि रक्षा इकाई प्रभारी क्या कहते हैं। क्या नाम है साहब आपको? जी, मेरा नाम श्याम वीर सिंह है और मैं मीरगंज कृषि रक्षा इकाई का प्रभारी हूँ। जानकारी लेना चाहेंगे, इस समय धान की फसल की पत्ती पीली पड़ रही है, कीड़ा भी लग रहा है जी और कहीं कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि पत्ती एकदम घुमड़ रही है, तो ये क्या बीमारी? धान में इस समय देखिएगा स्टेम बोरर आ रहा है और जो पत्ती आप बता रहे घुमड़ रही है तो लीफ होल्डर की शिकायत मिल रही है। इसके लिए मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, एक दवा जो लेमडा साई हेलोथ्रिन नाम से आती है उसका आप अपने खेतों में स्प्रे कराएं। इस दवा की मात्रा जो है 250 ml का स्प्रे 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करवा दें तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपके खेतों में स्टेम बोरर लग रहा है और पीली पत्ती जो इस कारण भी हो सकती है, अगर कोई बीमारी आ रही है या कीट लगा है, तो उसके लिए आप अपने खेतों में कार्टा हाइड्रोक्लोराइड का आप खेत में आप डाल सकते हैं अपने पहले खाद के साथ में मिलाकर। इसके अलावा और अगर आप जैसे करें पीली पत्ती पड़ रही है तो कहीं जो है ये जो है जिंक की डिफिशेंसी के कारण भी हो सकती है। अगर खैरा रोग है तो इसमें आप जिंक जिंक की मात्रा को आप अपने खेतों में लगा सकते हैं।